One, two, three, funk it. Shooting a video almost after 1.5 months and I'm really excited for this video because बहुत time से मैंने कोई video shoot नहीं करी है and it's also my first video of 2022 like first long format video मतलब मैं videos तो upload कर रही थी but they were in short format तो 1 minute से कम की थी. I hope you have been watching shorts regularly. If not then I'm gonna be making a सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर दैट लाइक स्पेशली जिसमें मैं सारे शॉर्ट्स ऐड करूंगी. यू कैन वॉच दैट शॉर्ट्स का प्ले लिस्ट इफ यू हैवंट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. सो या फॉर टूडेज वीडियो आई एम गोना बी टॉकिंग टू यू ऑल अबाउट टू मस्ट हैव ज्वेलरीज फॉर वेडिंग गेस्ट. सो स्पेशली ये वेडिंग गेस्ट के लिए है बिकॉज वेडिंग सीजन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. मतलब आता ही रहता है कुछ ना कुछ फंक्शन हमें अटेंड करने ही होते हैं. तो हमें ज्वेलरी लेते टाइम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि वॉट काइंड ऑफ ज्वेलरी वी शुड बाय एंड बजट में भी हो अच्छा भी हो बार बार यूज़ भी कर पाएँ एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. सो आई एम गोना बी टेलिंग यू जस्ट टू काइंड ऑफ ज्वेलरीज दैट यू मस्ट हैव एंड उससे आप वेयरिंग सीजन बहुत आराम से निकाल लोगे एंड इवन यू कैन यूज़ दोज ज्वेलरीज मल्टीपल टाइम्स. सो या लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट ज्वेलरी इज द कुंदन वर्क ज्वेलरी एंड ये कलर स्पेसिफिक नहीं है. इट्स इन वाइट कलर एंड कुंदन वर्क है एंड अलॉन्ग विद दैट इट हैज गोल्डन टच. सो आई शो यू द सेट. ये इयररिंग्स और ये नेक पीस का सेट है. सो दिस इज द नेक पीस एंड इट्स सो ब्यूटिफुल. इसका ये जो वाइट सा टच है इसके अंदर लाइक दिस वाइट पर्ल का काम है. इसके नीचे व्हाइट कलर के पर्ल्स लगे हुए हैं एंड कुंदन का वर्क है एंड देन अगेन विद गोल्डन टच. सो इट्स नॉट कलर स्पेसिफिक. सो द फर्स्ट काइंड ऑफ ज्वेलरी दैट यू मस्ट हैव इज समथिंग दैट इज नॉट कलर स्पेसिफिक. आई शो यू द इयररिंग्स ऑल्सो बिकॉज द इयररिंग्स आर सो ब्यूटिफुल. ये रहे इयररिंग्स एंड यू इफ आई हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज तो आपने जरूर ये सेट देखा होगा. एक्चुअली आई गॉट इट इन 2020 नवंबर लास्ट ईयर फॉर माई ब्रदर्स वेडिंग एंड इट वॉज लुकिंग रियली नाइस विद द लहंगा सेट एंड आई हैव वोन इट मल्टीपल टाइम्स बिकॉज कलर स्पेसिफिक नहीं है जैसा मैंने बताया. आई हैड टू अटेंड अ वेडिंग इन डिसम्बर अभी रिसेंटली 2021 में. तो आई वो दीज इयरिंग्स विद माई ब्लैक वेलवेट सूट बिकॉज द स्लीव्स हैड सम गोल्डन वर्क. सो उस गोल्डन के साथ दिस इयरिंग कॉम्प्लीमेंटेड रियली वेल. आई एड दोज पिक्चर्स सो दैट यू कैन सी. सो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सिर्फ इयरिंग्स पहन लिए और नेक पीस नहीं पहना. अगेन आई वोर दीज इयरिंग्स विद माई रेड ऑर्गेंजा साड़ी. सो उसके साथ भी बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज इसमें व्हाइट कलर का है. कोई ऐसे स्पेसिफिक से पर्ल्स नहीं है जैसे कि पिंक है या ग्रीन कलर के या कोई भी ऐसा पर्ल्स में काम नहीं है जिसकी वजह से सबके साथ जाएगा. लाइक इट वॉज लुकिंग इक्वली गुड विद माई रेड ऑर्गेंजा साड़ी विद माई ब्लैक वेलवेट सूट या फिर मैं कोई भी रैंडम सूट के साथ भी पहनती हूँ तो इट लुक्स नाइस. एंड अगर आपको लगता है कि सिर्फ इयरिंग ही काफी है जैसे मैं अभी दिखाती हूँ कि इयरिंग्स काफी लग रहे हैं तो आप नेक पीस को अगेन स्किप कर सकते हो. कई बार आप सिर्फ नेक पीस भी पहन सकते हो एंड इयरिंग्स को स्किप कर सकते हो. सो ये मेरी पहली एडवाइस है एंड आई गॉट दिस सेट फ्रॉम सदर बाजार फॉर 1500 रुपीज. मैंने थोड़ी बार्गेनिंग करी थी बिकॉज उसके बिना तो मुझे चैन नहीं मिलता है एंड वो इससे कम नहीं कर रहे थे. तो मैंने इसके साथ ही ना एक लंबा सा नेक पीस ले लिया था दैट आई हैव गिफ्टेड टू माई चाची. तो वो मैंने यूज नहीं किया था, वो मैंने उनको गिफ्ट कर दिया था. बट ये एक्चुअल में ये पूरा सेट है इसका. ऐसे इयरिंग और इयरिंग्स आए थे और ये आता है. इसके साथ कोई टीका नहीं था बट 1500 में इट्स अ गुड डील. यू कैन फाइंड दीज काइंड ऑफ पीसेज ऑनलाइन ऑल्सो. आपको मिल जाएंगे 1700-1800 से कम में ही मिल जाएंगे. If you cannot go to Sadar Bazaar because of the pandemic, then you can definitely find these kind of pieces online. So, पहला आपको ऐसा ही रखना है कि कोई कलर स्पेसिफिक नहीं रखना जिससे वो ऑलमोस्ट सारे आउटफिट्स के साथ जाए. And yeah, now let's move on to the next kind of jewelry that you should have if you are a wedding guest. ओके सो द सेकेंड ज्वेलरी इज कलर स्पेसिफिक. सो इट्स इन पिंक कलर. मतलब पिंक वैसे चटकीला वाला पिंक नहीं, ये रहा वो पूरा सेट है. सो दिस सेट इज अगेन आई गॉट इट फॉर माई भैयाज वेडिंग. ये मैंने अपने लिए लिया था, ये मेरी बहन ने लिया था.
एंड ये काफी ज्यादा सुंदर सा सेट है. आई जस्ट शो यू द सेट. सो मैं पहले आपको नेक पीस दिखाती हूँ. सो ही इज द नेक पीस एंड इट इज सो ब्यूटिफुल. बहुत ज्यादा ऐसे ब्राइट पिंक नहीं है, इसलिए अगर आप इसको किसी भी सेट के साथ पहनते हो तो बहुत ज्यादा ऐसे नोटिस में आने वाली ज्वेलरी तो नहीं है. बट एज कम्पेयर टू दैट व्हाइट वन थोड़ा नोटिस में आएगा बिकॉज कलर स्पेसिफिक है. एंड कलर स्पेसिफिक होने के साथ क्या होता है कि आप सब आउटफिट्स के साथ नहीं पहन सकते. मोस्टली चला जाएगा ये बिकॉज इट हैज गोल्डन टच एंड मोस्ट ऑफ आर एथनिक वेयर्स हैव गोल्डन टच इन देम. तो चला जाएगा, इट विल नॉट लुक वेरी ऑड. एंड ये काफी ज्यादा अच्छा सा है एंड क्वालिटी वाइज भी ये मेरे वाले सेट से काफी ज्यादा अच्छा है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्राइस, सो इट वॉज फॉर 1800 or 1900 का आसपास का था. यानी पूरा सेट मिला था तो काफी अच्छा सा है. आई शो यू द इयर रिंग्स. आई जस्ट लव द इयर रिंग्स, लाइक दे आर सो ब्यूटिफुल. लुक एट दिस. सो लुक एट द झुमकास, दे आर सो ब्यूटिफुल. मतलब बहुत ही सुंदर से इसके झुमकास हैं. एंड इफ यू आर बाइंग द दीज काइंड ऑफ झुमकास सेपरेटली तो ये भी आपको 300-400 के पड़ते हैं. तो ये पूरा सेट 1800-1900 में बहुत ही अच्छी डील थी. आई गॉट इट अगेन फ्रॉम सदर बाजार, तो थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ी थी. एंड दिस सेट ऑल्सो हैज टीका विद इट. सो आप टीका भी लगा सकते हो. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट बाइंग प्रॉपर सेट इज दैट यू कैन वेयर द टीका सेपरेटली. कि आप सिर्फ मांग टीका पहन लिया आपने और फिर आपने इयरिंग्स पहन ली. और कई फंक्शन में आप क्या कर सकते हो कि यू कैन स्किप द इयरिंग्स, यू कैन वेयर द मांग टीका एंड गले का सेट. फिर आप गले का सेट और इयरिंग्स पहन लो. मतलब ऐसे आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके यू कैन वेयर इट इन मल्टीपल वेज एंड एट मल्टीपल ओकेजन. ये ज्यादा अच्छा लगने वाला है. लाइक आप एक एक करके आप देख लो कि उस सेट के साथ क्या अच्छा लगेगा. एंड डिपेंडिंग कि आपकी वेडिंग बहुत क्लोज वेडिंग है तो पूरा सेट पहन लिया. अगर बहुत दूर की है तो आपने सिर्फ एक ही दो इसमें से चीजें पहन ली. जैसे माई सिस्टर वोर दीज झुमकास फॉर रक्षाबंधन विथ पिंक सूट, तो ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहे थे. उसने बस ये झुमकास पहने थे. तो जैसे अगर कोई छोटा मोटा इवेंट है तो आपने सिर्फ इयरिंग्स पहन लिए तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है. अगर आप ऐसा कुछ कलर स्पेसिफिक लेते हो प्रॉपर सेट तो आप उसको मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हो. एंड आई जस्ट लव दीज झुमकास. मतलब मुझे इस पूरे सेट में झुमकास तो बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे. झुमकास देखते ही मैंने कहा था हाँ ये ले लेते हैं, काफी काम आने वाला है. सो यही है कि अगर आप कलर स्पेसिफिक भी लो तो वो भी बहुत ज्यादा ब्राइट ना हो. आप एक प्रॉपर सेट ले सकते हो, आपको 2000 तक आराम से मिल जाएगा इफ यू गो टू मार्केट लाइक सदर बाजार. आप ऑनलाइन ऑफकोर्स सर्च कर सकते हो. यू कैन इवन सर्च ऑन इंस्टाग्राम स्टोर्स, वहां पे भी कई बार अच्छी डील्स मिल जाती हैं. तो आप ऐसा कोई भी इयरिंग सेट भी ले सकते हो. आई ट्राई टू एड दोज पिक्चर्स जिनमें भी उसने पहना होगा. एंड भैया की शादी के टाइम पे तो उसने प्रॉपर ही पूरा ही सेट पहना था. सो आई एड दोज पिक्चर्स ऑल्सो. शी वॉज लुकिंग एब्सोल्यूटली गॉर्जियस. तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सा सेट था. दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो. सो मुझे एंड में यही बताना है कि जस्ट डोंट बाय एक्सपेंसिव ज्वेलरीज. 5000-6000 की 7000 की ले ली एंड फिर उसको यूज भी नहीं किया. कि क्लोज वेडिंग है तो एक बार लेके रख लिया, फिर वो बार बार यूज में भी नहीं आती है. एंड स्पेशली अगर आपने बहुत ज्यादा उसमें कलर स्पेसिफिक का कुछ ऐसे काम वाला ले लिया तो आप उसको बार बार पहन भी नहीं पाते हो. एंड मेरा पर्पस ही होता है ऐसी ज्वेलरीज लेने का कि मैं उसको बार बार पहन भी पाऊं. एंड इवन इफ आई एम पोस्टिंग माई पिक्चर्स ऑन लाइक इंस्टाग्राम तो मुझे चाहिए कि वो ज्यादा नोटिस में भी ना आए. बिकॉज बहुत ज्यादा नोटिस आता है तो भी लगता है कि आप बहुत रेपिटेटिव हो गया है तो फिर पहनने का मन नहीं करता है. तो ऐसी ये वाली जो ज्वेलरीज हैं इनमें ये है कि बहुत ज्यादा नोटिस में नहीं आते. ऑफकोर्स बार बार पहनने से थोड़ा ध्यान तो जाएगा बट इतना नोटिस में नहीं आता. सो इसके क्या होता है कि मैं काफी बार इन इयरिंग्स को पहन चुकी हूँ, इन ज्वेलरीज को पहन चुकी हूँ एंड अच्छा खासा मतलब मैंने यूज कर लिया. ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है इसको लिए हुए. मैं काफी बार पहन चुकी हूँ. सो आई होप यू विल फाइंड दिस वेरी यूजफुल. एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ ज्वेलरी तो आपको कुछ हेल्प मिला होगा. एंड या आई एम गोना सी यू सुपर सून. प्लीज लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज यू वॉन्ट मी टू मेक लाइक इन लॉन्ग फॉर्मैट. एंड बाकी शॉर्ट्स आप देखते रहो. एंड या आई सी यू सुपर सून. आई ट्राई टू मेक अनदर लॉन्ग फॉर्मैट वीडियो वेरी सून. एंड या सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल देन गिव इट अ थम्स अप. एंड या आई सी यू सुपर सून. बाय.